हेलो। तो मेरे भाई, इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एंड साथ ही रिव्यू करेंगे Redmi Note 9 का। आई नो इस फ़ोन को मार्केट में आए काफ़ी टाइम हो चुका है। मई 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, बट हमने इसे अभी परचेज़ करा है, तो हम इसकी अभी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे एंड आप लोगों को बताएंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में डिटेल में। आप पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। अनबॉक्सिंग करने पर हमें स्टार्टिंग में पहले देखने को मिलता है TUF केस, सिम इजेक्टर टूल एंड यूज़र मैनुअल, जो कि आप स्क्रीन पर देख पाओगे अपनी। अब मैं वॉइस ओवर इसका बाद में कर रहा हूँ एंड यार सॉरी यार, जो इस फ़ोन का मेन फीचर था इसका कैमरा था, जिसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है मैंने, बट उसके यार मैं सैम्पल्स इस वीडियो के अंदर डाल नहीं पाया। बट टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, स्टिल्स अच्छे आ रहे थे, लाइट कंडीशन के अंदर बहुत बढ़िया आ रहे थे, फ़ोटोज़ अच्छी क्लिक हुई है, बट वीडियो का थोड़ा इशू रहा है। वीडियो कोई खास अच्छा लगा नहीं इसका, वीडियो रिकॉर्डिंग इस फ़ोन से जो हुई है। बाकी बताऊँ मैं आपको इस फ़ोन के बारे में थोड़ा, एक बार डिटेल में इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। जो रियर कैमरा इसका 48 मेगापिक्सल का है, क्वाड कोर कैमरा सेटअप है वो, जिसमें 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन मेन कैमरा है। सेकंड इसका 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस है, देन उसके बाद 2 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस है एंड एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है इसके अंदर। फ्रंट कैमरा पंच होल टाइप है, मतलब डॉट कैमरा है 13 मेगापिक्सल का। प्रोसेसर की बात करें तो मीडियाटेक हीलियो G85 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है एंड GPU है इसके अंदर माली G52 और जो 1000 मेगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है। तो यार गेमिंग के मामले में फ़ोन उतना अच्छा नहीं रहने वाला है, बट इस रेंज में आपको गेमिंग फ़ोन कोई उतना नहीं मिल सकता अच्छा यार। अगर आप रिफर्बिश्ड OnePlus 5T इस रेंज में आता है, अगर आपको गेमिंग करनी है, थोड़ा स्मूथ गेम प्ले चाहिए आपको, PUBG वगैरह आप खेलते हो, तो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, बिकॉज इस ये बहुत ज़्यादा टाइट बजट है यार। इसमें आपको गेम वगैरह खेलने का, खासकर मतलब हाई सेटिंग्स पे आप गेम नहीं खेल पाओगे, स्मूथ गेम प्ले नहीं मिलेगा। हाँ, जो छोटी गेम में है जैसे PUBG मोबाइल लाइट है, वो इस पर स्मूथ चल जाएगी, बट जो मेन PUBG मोबाइल है वो नहीं चल पाएगी। फ्री फायर अच्छे से चल सकती है, कॉल ऑफ ड्यूटी अच्छे से चल जाएगी, बट PUBG का ही टेस्ट करेंगे बिकॉज वो ही ज़्यादा लोग खेलते हैं। तो एक्सेसरीज जो मिली और जो भी इसके अंदर निकला वो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होगे। और आगे मैं बात करता हूँ इसके अंदर, यार स्टॉक एंड्रॉयड हमें माई के किसी फ़ोन के अंदर शायद देखने को मिलेगा कभी। इसके अंदर MIUI है और एंड्रॉयड 10 है। और बात करूँ इसके, तीन वेरियंट्स में अवेलेबल है मार्केट के अंदर, 4+64 GB वेरियंट, देन 4 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज जो कि अपने पास है, एंड 6 GB एंड 128 GB स्टोरेज का वेरियंट है। बात करें हम इसके डिस्प्ले की, तो Full HD+ डिस्प्ले है, 6.5 इंच का डिस्प्ले है इसका एंड कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है। एंड बैटरी की बात करें तो बैटरी काफ़ी इंप्रेसिव है इसकी, 5020 mAh की बैटरी है एंड साथ ही 22.5 फास्ट चार्जिंग है इसका, जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है जो चार्जर मिलता है वो काफ़ी अच्छा चार्जर मिलता है साथ ही इसके। एंड 9W का इसका रिवर्स चार्जिंग है, तो आप इसको पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कोई दूसरा डिवाइस कैरी करते हो साथ में, उसकी बैटरी कम है। अगर आपका ये डिवाइस मतलब सही हेल्दी चार्ज है तो आप इससे उसको चार्ज दे सकते हो। अब बाकी आप डिस्प्ले पे देख पाओगे, मतलब कुछ फीचर्स है इसमें, गेम टर्बो वगैरह है जहाँ पे आप अपनी गेम को रिकॉर्ड भी कर सकते हो और पुश कर सकते हो, FPS वगैरह भी सब कुछ देख सकते हो उसके मेन्यू पे आपको पूरा मिल जाता है अगर आप ऊपर से स्लाइड करते हो तो उसको। एंड और बात करें इसकी, 4G सपोर्ट है यार आज के टाइम पे, तो हर 5G भी आ रहे हैं फ़ोन, तो 4G सपोर्ट इसका, दोनों सिमों पे आप 4G आराम से चला सकते हो। एंड इसकी एक अच्छी बात यह है, अगर आप स्टोरेज बढ़ाना चाहो तो आप इसमें 512 आप SD कार्ड ऐड कर सकते हो इसमें, 512 GB का अगर आप करना चाहो तो, बिकॉज इसमें आपको दो सिम स्लॉट मिलते हैं, नैनो सिम स्लॉट एंड एक SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिलता है। वहीं दूसरा हम बात करें, टाइप सी है जो कि आम है आज के टाइम पे, टाइप सी मिलता है। एंड सबसे बड़ी बात इस फ़ोन के अंदर वो है 3.5 mm जैक का होना। और हाँ, एक यार MI के फ़ोन और किस चीज़ के लिए मेरे को पसंद नहीं है, बट एक ही मैं सच बताऊँ, एक चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है MI के फ़ोनों में और यार हर कंपनी के फ़ोनों में आनी चाहिए, वो है IR रिमोट, IR ब्लास्टर। आप MI के फ़ोन को, किसी फ़ोन को जो कि 5-6 हज़ार रुपये का फ़ोन आता है, उसके अंदर भी आपको IR ब्लास्टर देखने को मिलता है। आप TV, AC, जो भी रिमोट कंट्रोल से चीज़ें चलती है आज की, अब वो कंट्रोल कर सकते हो पेयर करके, रिमोट एज अ रिमोट आप अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हो, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। तो भाई ओवरऑल यही था गेमिंग एक्सपीरियंस, आपको डिस्प्ले पे दिखा होगा कैसा है। गेम बैटरी चला, मेरे पास अभी 1+7 है तो उसके जितना तो स्मूथ चला नहीं, बट वहीं यार प्राइस देखा जाए तो प्राइस भी उसका हाफ से भी थोड़ा कम है।
तो उस हिसाब से तो परफॉर्मेंस ठीक है इसकी। पहले मेरे पास मोटो G6 था, उससे बेटर परफॉर्मेंस लगा, उससे बेटर गेम प्ले मिला मेरे को पबजी मोबाइल का। बाकी आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो के अंदर कि आप अगर आपको 15,000 रुपये के नीचे एक डिसेंट फ़ोन चाहिए, 128 मतलब स्टोरेज काफ़ी अच्छी है, कैमरा अच्छा है, डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है, अगर आप कंसिडर कर सकते हो इस फ़ोन को। अगर आपको एक फ़ोन चाहिए नॉर्मल यूसेज है तो आपका, अगर आप गेमिंग वगैरह के पर्पज़ से लेना चाहते हो तो भैया ये फ़ोन उतना ख़ास नहीं है गेमिंग के मामले में। तो ये था भाई मेरा मानना जो भी था। बाकी थैंक यू सो मच भाई देखने के लिए वीडियो यार।